हरदोई कोतवाली हरपालपुर में महिला की गला दबाकर हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसमें एक युवक को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने जेल भेजा है। युवक ने महिला की बेवफाई से नाराज होकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। हरपालपुर थाना इलाके के कूड़ा नगरिया निवासी उमा की हत्या तब हुई थी जब 8 जनवरी को हुई थी, जब वह खेत पर गई हुई थी और वापस घर नहीं लौटी थी। उसका शव खेत में पड़ा मिला था। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही थी। मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि महिला के और राजवीर के प्रेम संबंध थे। कुछ समय पहले महिला ने प्रतिपालपुर के एक अन्य युवक के साथ बातचीत करना शुरू कर दी थी। इसी बात को लेकर राजवीर नाराज रहने लगा था और उसने महिला को सबक सिखाने की ठान ली थी। हालांकि उसने कई बार महिला को समझाया लेकिन वह नहीं मानी, तो उसने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली और उसी के चलते महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। हरपालपुर थाना क्षेत्र में 8:09 की रात में उमा नामक महिला की हत्या हुई थी जो करीब 45 वर्ष की थी। इस घटना का आज हरपालपुर पुलिस ने अनावरण किया है और राजवीर पुत्र राम कुमार निवासी कूड़ा नगरिया हरपालपुर का अभियुक्त जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। पूरा घटनाक्रम प्रेम प्रसंगों पर आधारित है और अभियुक्त की पूछताछ पर ये पता चला है कि उमा से उसका प्रेम संबंध था और बाद में उमा हाल के दिनों में किसी एक अन्य लड़के से जो कि प्रतपालपुर का रहने वाला है उससे उसके कुछ बातचीत होने लगी थी। इस बात से वो नाराज होकर के उसने वो खेत पे गई थी रखवाली के लिए और वहाँ पर जाकर के उसने गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।